उपायुक्त श्री राजेश कुमार पाठक की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद गढ़वा, JSLPS DPM गढ़वा के साथ वैक्सीनेशन से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त गढ़वा ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को धन्यवाद देते हुए बताया कि राज्य सरकार से लोगों को वैक्सीनेट करने हेतु आज लक्ष्य 6,700 रखा गया था, जबकि अब तक लक्ष्य से अधिक 6,995 प्राप्त कर लिया है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेट कर लोगों के जीवन की सुरक्षा करनी है। यदि आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण हो जाए या लोग इसके शिकार होते हैं तो वैक्सीनेशन के उपरांत संभवतः उनकी जान नहीं जाएगी। उन्होंने बताया कि हम एक ऐसे मुहिम में कार्य कर रहे हैं जो जीवन रक्षा से जुड़ी है। लोगों की जान बचाना एक पवित्र कार्य है। उपायुक्त ने कहा कि टीम सुदूर के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन हेतु जा रही है। यद्यपि कई महिलाएं उस क्षेत्र में पेंशन के योग्य हैं और वह सामने आते हैं तो उनका फॉर्म भरवा लें। कोई लाभुक जिन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला हो या अगली किस्त का भुगतान न हो पाया हो तो तुरंत फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए उनका पेमेंट करें। अगर किसी को कोरोना हुआ हो तो उसके घर जाकर उनकी आर्थिक स्थिति व परिवार वालों की हालत का आकलन कर लें, उन्हें क्या मदद दे सकते हैं उसका एक प्रस्ताव अवश्य दें। उपायुक्त ने कहा कि यह एक ऐसा समय है जो सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वह आप लोग चिन्हित कर सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उप विकास आयुक्त ने भी आज के कार्य सफल होने के लिए अधिकारियों को उत्साहित किया। उन्होंने बताया कि यह एक मास कार्यक्रम है, इसका प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा करें। जनप्रतिनिधियों, सेविका, सहिया, डीलरों, JSLPS के कर्मियों, ऑटो चालक व अन्य लोगों से संपर्क साधकर लोगों को सेंटर तक लाने का कार्य कराएं। उप विकास आयुक्त ने लोगों से यह अपील की कि जिस प्रकार हम मतदान करने के लिए मतदान सेंटरों तक जाते हैं उसी प्रकार वैक्सीनेशन के लिए वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन लें। इस प्रकार से इस कार्य को भी अंजाम देने की आवश्यकता है। वैक्सीनेशन की सभी टीम ससमय 8 बजे सुबह अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचकर कार्य शुरू कर दें। वैक्सीनेशन हेतु अधिकारियों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित किया गया। प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात करके वैक्सीनेशन सेंटर पर आ रहे समस्याओं को भी जाना। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन की पूर्ति में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो तो तुरंत बताएं और समस्या का त्वरित समाधान करें। उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से कहा कि 20 प्रखंडों में एक प्रखंड को 500 का लक्ष्य रखना है ताकि हर दिन 10,000 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। सिविल सर्जन गढ़वा ने कहा कि लगभग लक्ष्य को हमने प्राप्त कर लिया है। तीनों दिन वैक्सीनेशन के लिए लक्ष्य को प्राप्त करना है। कोविड के लिए वीकेंड का विशेष वैक्सीनेशन प्लान है और यह पूरे महीने चलेगा। हर वीकेंड में 3 दिन वैक्सीनेशन देना है। उन्होंने बताया कि सरकार की नीति है कि 45+ से अधिक उम्र वालों को जल्द वैक्सीनेशन किया जाए। वैक्सीनेशन सभी को देना है परंतु 45 वर्ष से अधिक पर विशेष ध्यान दें। सिविल सर्जन गढ़वा ने कहा कि जिन इलाकों या अन्य स्थानों पर विरोध या लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं उस एरिया को मैपिंग कर उसे रेड जोन बनाएं। स्पेशल अटेंशन के साथ उन्हें उत्साहित करने व किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करते हुए उन्हें वैक्सीनेट करें। यह ध्यान रहे कि कोई भी वैक्सीनेशन लेने से वंचित न रह जाए। उन्होंने सभी MOIC को अलर्ट रहने और प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ समन्वय करके कार्य करने को कहा।